अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूँ शेख इम्तियाज और आप देख रहे हैं नॉलेज शेख। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी नहायत हसीन थी, जिस पर वो इसराइली फरेख्ता था। चुनांचे जब उस औरत का इंतकाल हो गया तो उस इसराइली को बड़ा फल्क हुआ और एक मुद्दत तक वह उस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो उन्होंने उस इसराइलों को परेशान हाल देखकर उसका सबब मालूम किया। जब इसराइल ने अपना वाकया बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़ फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं उसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूँ? उसने अर्ज़ किया कि हाँ हुजूर, यही मैं चाहता हूँ। चुनांचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के मुर्दा को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम, जिसके नाक के नथनों, आँखों और जिस्म के दूसरे स्वारखों से आग की लपेटें उठ रही थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही ग़ुलाम ने कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इसराइल ने यह देखकर अर्ज़ किया कि हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनांचे वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। चुनांचे कब्र फटी और उससे एक औरत सर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइल बोला कि या रूहुल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइल अपनी बीवी को हमराह लेकर वापस होने लगा, मगर कुछ दिन से जागा हुआ था, इसलिए उस पर नींद का गलबा हो गया और उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरियावजारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लीजिए। चुनांचे वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रख कर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ, जो अपने ज़माने का यकता हसीन था, जिसको देखकर शहजादी अज खुद फरेख्ता हो गई और उसका दिल काबू में न रहा। उसने शोहर का सर जानों से नीचे रखा और फर्त मोहब्बत व गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। उधर जैसे ही शहजादे की नज़र उस पर पड़ी, वो भी उसको देखकर उस पर फरेख्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चुनांचे उसके शोहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को न पाया तो नहायत परेशान हुआ और उसको मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसके निशाने कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज़ किया कि ये मेरी बीवी है, आप उसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी न पाया था कि उस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लौंडी हूँ। यह सुनकर शहजादा इसराइल से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लौंडी को लेना चाहता है? उसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए ज़िंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले आए, जिनको देखकर इसराइल कहने लगा, या रूहुल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए ज़िंदा किया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि या रूहुल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं तो उस शहजादे की लौंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तो वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा किया है? औरत ने कहा, या रूहुल्लाह, बखुदा मैं वो नहीं हूँ। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जाने खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है, उसको वापस कर दे। ये सुनते ही वह औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगी कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और ज़िंदा होकर ईमान लाया, तो वो उस हबशी ग़ुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है, और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था फिर अल्लाह ने उसको ज़िंदा किया और वो काफिर होकर हालत कुफ्र में मर गया, तो वो उस औरत को देख ले। इस वाक़े को देखकर इसराइल ने कसम खाई,
अब कभी निकाह न करूँगा, और मैदानों की तरफ निकल गया जहाँ अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहकर उसे मौत आ गई। हासिल सबक, नबी और रसूल के इकरार व इनकार का नतीजा उस हिकायत से ज़ाहिर होता है, और सबक मिलता है कि कामयाबी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व मोहब्बत से ही मिल सकती है। चुनांचे हमें भी चाहिए कि हर हाल में अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को सामने रखें, चाहे दिल माने या न माने, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को लाजमी अपनाया जाए। अल्लाह ताला उस वाक़े से सबक हासिल करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।